नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अंगूर बनाना सीखते हैं अंगूर का गुच्छा शेडिंग द्वारा, और कुछ शेडिंग के स्टेप भी सीखेंगे जो हमें आगे काम में आएंगे। पहले हम ऊपर वाली टहनी बना लेते हैं। देखिए ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर हम तीन लाइन तीन डंडियों से शुरू करेंगे। बना लेंगे जैसे और तीनों में ही एक एक अंगूर होल शेप में। देखिए बच्चों, थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो आप ये भी बिल्कुल शेप के साथ आएंगे। देखिए इस तरीके से, और जहां पर ये अंगूर दोनों जुड़ रहे हैं वहीं पर नीचे यू आकार इस तरीके से, और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा बना देंगे ऊपर तक लाते हुए, इधर भी एक एक्स्ट्रा। अब उसके नीचे भी उसी तरीके से, देखिए बीच में ही हमें बनाना है और इस तरीके से आगे तो ऐसे कर देंगे। और वही यू से अब हम गुच्छा थोड़ा सा कम कर देंगे, वैसे यू शेप में यू। और थोड़ा सा ऐसे कभी कभार गुच्छे में नीचे डंडी निकल के भी लटके रहते हैं। और एक पत्ती थोड़ा सा हल्का हल्का पहले लाइन कर लेंगे, आइडिया ले लेंगे, फिर हम स्केचिंग करेंगे थोड़ा सा। क्यों एकदम से डार्क पेंसिल से स्केचिंग करने के बाद फिर मिटाने में दिक्कत हो जाती है, और अंगूर की पत्तियों में बहुत बारीक बारीक सी ऐसी कटिंग जैसी रहती है, जो हम जब शेडिंग की आउटलाइन करेंगे उसमें हम वो बना देंगे। अभी हम सादी आउटलाइन कर रहे हैं, बस सेव किया है हमने पत्तियों का पत्ती का सॉरी थोड़ा सा चौड़ा स्केचिंग कंप्लीट हो गई। अब हम शेडिंग से ही, आज भी हम शेडिंग से बनाएंगे, कल हमने शेडिंग से मैंगो बनाया था, आज भी हम शेडिंग से ही करेंगे। पहले बच्चों शेडिंग के कुछ स्टेप्स हम जान लेते हैं,
कि शेडिंग के कुछ स्टेप होते हैं, उसके लिए हम पेंसिल जो है 6V की ले रहे हैं। इससे एक तो जहाँ पर ज़्यादा डार्क से लाइट कंट्रास्ट शेडिंग होती है, वहाँ पर जैसे ऐसे है, वहाँ पर इस तरीके से पेंसिल रखते हुए दबाते हुए फिर ऐसे हल्के से ऐसे लगाते हैं और नीचे जाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से शेडिंग देने में काफ़ी कंट्रास्ट आता है, और जिस साइड से रोशनी पड़ रही है उस साइड लाइट रखेंगे और जिस साइड छाया पड़ रही है उस साइड इसको शेड को देंगे। एक हम जैसे शेडिंग थोड़ा सा मिक्स जैसी रहती है तो वो हम शेडिंग फिर इस तरीके से पेंसिल को थोड़ा सा पट करके और इस तरीके से देते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। तो शेडिंग कहाँ पर कैसी देनी है, एरिया छोटा है कि बड़ा है, उस के अनुसार हम शेडिंग देंगे। अब देखिए हमारा ये है अंगूर है, इसमें हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम आउटलाइन बाद में करेंगे, पहले शेडिंग ही कर लेंगे। देखिए इस तरीके से शेडिंग ऊपर से नीचे करेंगे। पेंसिल को दबाए है, दबा के और उठा के ऐसे। इस तरीके से ऐसे ऐसे सारे ही अंगूरों में, सारे अंगूरों में इसी तरीके से हम दे देंगे। में नहीं फैलाएंगे, थोड़ा थोड़ा किनारा मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ईयर बर्ड्स ली है और थोड़ा सा गोला इसे चलाते हैं, ऐसे मिक्स कर लेंगे।
से। देखिए इस तरीके से है हमारा लगभग, हमने मिक्स कर दिया है। फिर शेडिंग के तीन स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले स्केचिंग करना, फिर शेडिंग देकर मिक्स करना, फिर आउटलाइन निकाल के थोड़ा सा डार्क शेडिंग करना। देखिए हमारा सेकेंड स्टेप चल रहा है। अब हम भाई डार्क पेंसिल लेके 6B और हम आउटलाइन करेंगे और साथ में थोड़ा सा जो हमें डार्क शेडिंग देनी है वो हम दे देंगे और आउटलाइन करेंगे। दोनों ही हम एक साथ कर रहे हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं कि पहले हम डार्क शेडिंग दे दें फिर हम आउटलाइन करें, वो भी कर सकते हैं हम, जैसा हमें सुविधा हो उस तरीके से हम करें। अलग अलग करने में भी काफी आराम रहता है। शेडिंग में आप कंट्रास्ट जितना लाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। जहाँ पर डार्क है थोड़ा सा डार्क लाइए और रोशनी पड़ रही है वहाँ पर सफेदी। सफेदी लाने के लिए हम रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लास 2 में किया था, आर्ट क्लास के दूसरे भाग में। बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो डाल रही हूँ, ये बच्चों वाला ही वीडियो है, तो बच्चों के हिसाब से ही इसमें बता रही हूँ जितना बच्चे बना सकते हैं। बड़ों के हिसाब से बताऊंगी तो टफ हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो बच्चों के हिसाब से ही मैं बना रही हूँ, इजी वे में और थोड़ा सा कम कठिन, जिससे बच्चे बना पाए। आउटलाइन और डार्क शेडिंग दोनों ही से ही हमारा पूरा निखर आएगा। जिस पर हम शेडिंग दे चुके हैं इस पे हाथ नहीं रखना चाहिए। अगर बाई चांस हाथ रखना भी पड़े, मजबूरी में हम ऊपर का कर रहे हैं ये दे रहे हैं, नीचे पे हमें हाथ रखना है, तो हम दूसरा पेपर रख के फिर उस ऊपर का शेडिंग दें। नीचे पे हाथ अगर रखेंगे हाथ में पूरा लग के और हमारी शेडिंग खराब हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखें। जब हम शेडिंग वाली ड्राइंग को अंदर भी रखते हैं तो ऊपर पुराना पेपर, न्यूज़पेपर या कोई एक पेपर लगा लें, पेपर पिन से या किसी से भी हम थोड़ा सा ऊपर चिपका भी सकते हैं, जिससे हमारी ड्राइंग गंदी नहीं हो, पूरे में शेडिंग पूरे में फैले नहीं। देखिए अंगूर कंप्लीट
अंगूर में शेडिंग कंप्लीट हुई है। अभी हमें लाइट हमें दिखानी है, लाइट नहीं दिखाई है, लाइट हम बाद में दिखाएंगे, इसलिए कि थोड़ा बहुत हाथ लगेगा तो लाइट अभी दिखा देंगे, तो हाथ लगने से फिर वो फिर धुंधला जाएगा। डंडी में हम लाइन के साथ हल्का सा सेट देते हो। अब हमारी बारी आई है पत्ती की। पहले कहा था ना पत्ती में हल्के से कांटे दिखाना है, तो हम शेडिंग पेंसिल से ही, आप चाहें तो नॉर्मल पेंसिल से ही पहले कर सकते हैं, लेकिन फिर शेडिंग पेंसिल से दोबारा करेंगे तो नीचे दिखेगा, इसलिए आप लोग भी डायरेक्ट शेडिंग पेंसिल से ही कीजिए। देखिए बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जब आप अंगूर के पत्तों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने ही बारीक से होते हैं ये। हल्का देखिए यहाँ पर हम पट पेंसिल से शेडिंग दे रहे हैं, हल्का हल्का। डार्क से लाइट मिक्स वाले उससे मिक्स कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने आउटलाइन पहले कर ली थी, क्यों यहाँ शेडिंग का आउटलाइन से मिक्सिंग आउटलाइन और मिक्सिंग से अधिक संबंध नहीं है, शेडिंग थोड़ा सा कम ही की है, तो इसलिए मैंने पहले आउटलाइन कर ली है। वैसे आप लोग शेडिंग करने के बाद ही आउटलाइन कीजिए, वही सही रहता है। कर दिया है, मिला दिया है, मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा पेंसिल और लगा देंगे इसे। अब तो हमारा पेंसिल का स्केचिंग तो इस पेंसिल शेडिंग हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा जहां पर हाईलाइट दिखाना है, थोड़ा सा रबर की टिप कोन नोक हमें बिल्कुल जरा सा बिल्कुल मिटाकर अंदर का पेपर सा वाइट दिखे, इस तरीके से कंट्रास्ट लाना है, बिल्कुल किनारे किनारे लाइन के थोड़ा थोड़ा मिटा देना है। जो शेडिंग जब मिक्स करते हैं तब थोड़ा आ ही जाता है, किनारे दबा के इस तरीके से।
इस तरीके से लगानी है रबड़ की धब्बा ना लगे, मिक्स होता हुआ है। थोड़ा थोड़ा जो आ जाता है अलगपन, तो हम काटन ईयर काटन बट से इस तरीके से कर देते हैं, तो मिक्स हो जाता है। मिक्स करने में भी पूरे पे नहीं फैलाना है, बस जो लाइन हमारी आई है धब्बा जैसा आया है उसको बस हमें खत्म करना है। कंप्लीट दोस्तों, शेडिंग का वर्क करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं अलग से आपको बता रही हूँ। पहले तो हमें जो चीज को बनाना है, पहले तो हम सबसे पहले स्केचिंग कर लेंगे पेंसिल से, सादी पेंसिल से, पेंसिल और जो गलती हो रबड़ से, पेंसिल से पूरा स्केच कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, जो लाइनें गलत हुई हैं उनको मिटा के, और हम अपनी पूरा जो स्केचिंग है वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम 6V पेंसिल लेंगे, मैं अप्सरा की यूज करती हूँ, तो लेकर फिर हम शेडिंग का स्टेप जैसे इस तरीके से हमारा यह है, ये हमने एक अंगूर बनाया, इस तरीके से हमने शेडिंग दिया है इसको, इस तरीके से ये हमारा स्टेप नंबर 2 है, इस तरीके से हमने दिया है शेडिंग, शेडिंग हमारा हो गया। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, हम मैंने कागज की स्टिक तरीके की बनाई है, कोई मोटा कागज आप लेके उसको रोल करके बना सकते हो। अगर आपको बनाना पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, मैं बनाना बता दूंगी। उसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, किनारे को पीछे को नहीं टच करते हैं, जहां पर कागज और ये पेंसिल जुड़ रही है, मिल रही है, यहाँ पर मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल डार्क वाला हिस्सा नहीं टच करेंगे, इस तरीके से इस मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, हम ये कान साफ करने वाली ईयरबड्स भी ले सकते हैं, अगर हम इसको नहीं बना पा रहे हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी उसी तरीके से ही आ जाता है। इस तरीके से देखिए, हमने मिक्स कर दिया, स्टेप नंबर 2 मिक्स करना। स्टेप नंबर 3 ये जो है, इस जो हमने है जहां पर हमारा डार्क हिस्सा है वहां पे हमें थोड़ा सा और डार्क करना है, जिससे हमारा कंट्रास्ट काफी अच्छा आए। इस तरीके से थोड़ा सा पेंसिल को नीचे करते हुए, अच्छा करते हुए इस तरीके से हमें कर देना है, इधर के हिस्से को नहीं टच करना है, बस डार्क कर देना है, और हमने जो बनाया है उसकी आउटलाइन कर देना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो है स्टेप हमारा आता है, हमें रबड़ लेना है और जहां पर हमें सफेदी दिखाना है वहां पर ब्राइटनेस के लिए हमें थोड़ा सा दबा के कोने से किनारे किनारे उसको मिटाना है हल्का सा। देखिए इस तरीके से हल्का सा, और फिर साफ कॉटन बर्ड्स ली है, दूसरी हमें बिल्कुल साफ लेना है, फिर वो साफ वाला हिस्सा और शेडिंग वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर देना है, जो धब्बा जैसा आया, इस तरीके से ये हमारा ये आ जाता है। और
इस तरीके से, इस तरीके से हमारा शेडिंग आ गया। स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा शेडिंग बहुत ही अच्छा आएगा और बढ़िया देखने में बहुत सुंदर लगेगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके हमने शेडिंग द्वारा अंगूर का गुच्छा तैयार कर लिया है। दोस्तों आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कीजिए, जिससे मैं और चीजें बनाऊं और आप लोगों के सामने रखूं। बच्चों आप लोग बनाइए, और शेडिंग से भी बना सकते हैं और कलर से भी बना सकते हैं। कलर से सेट देके भी आप लोग बना सकते हैं, प्लेन भी बना सकते हैं हल्का ग्रीन डालकर। दोस्तों आपने किस तरीके से बनाया है, शेडिंग से, कलर से, किस तरीके से, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।